उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से जो नगर की रचना बनाई गई थी और शहर में मीडिया के सामने उन नगर की रचना को सार्वजनिक किया गया, मगर उसके बाद नियम के हिसाब से उस नगर की रचना के ऊपर शहर के लोगों को, शहर के नगर सेवकों को ये कहा जाता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्शन सजेशन हो, आप उस तारीख के अंदर उन्हें टाइम की डेडलाइन दी जाती है ताकि उस तारीख के अंदर शहर के नगर सेवक या आम आदमी उस नगर की रचना पर ऑब्जेक्शन सजेशन कर सकता है। 14 फरवरी तक आखिरी दिन दिया गया था और शहर के काफ़ी नगर सेवक, जैसे कि बीजेपी पार्टी के नगर सेवक, आरपीआई पार्टी के नगर सेवक और मनसे पार्टी के पदाधिकारी, तमाम शहर के लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन डाले हुए थे। उन ऑब्जेक्शन और सजेशन पर आज 23 फरवरी के दिन उल्लासनगर के टाउन हॉल में आज सुनवाई के लिए वहां पर हेयरिंग रखी गई थी, जहां पर सभी लोगों को बुलाया गया था और उन्हें पत्र दिया गया था। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था उन्हें पत्र ये मिला कि आप 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक वहां पर आइए। काफ़ी लोग समय के अंदर पहुंचे, मगर काफ़ी लोगों को वहां पर अंदर आने नहीं दिया गया। उसके बाद आमदार गणपत गायकर वहां पर पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीर में वह गेट के बाहर खड़े हैं और वह चिल्ला रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं कि एक आमदार को आपने बाहर रखा हुआ है और ऑब्जेक्शन सजेशन में उनका खुद का नाम है, मगर वहां के अधिकारी इस बात को नकार कर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद वहां पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने उल्लासनगर महानगर के पालिका के खिलाफ नारेबाजी चालू कर दी। उसके बाद तुरंत उपायुक्त प्रियंका राजपूत वहां पर पहुंची और उल्लासनगर शहर के एडिशनल कमिश्नर लेंगड़कर साहब वहां पर आए और आमदार गणपत गायकवाड़ से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो समय महानगर पालिका ने दिया हुआ था उस समय से वह पहले वहां पर खड़े हुए हैं, मगर किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। ये किस प्रकार की हेयरिंग रखी गई है जहां पर ऑब्जेक्शन सजेशन पर लोगों को बुलाया जाता है मगर उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता, ऐसा काफ़ी मामला सामने आया। आइए सुनते हैं किस प्रकार का वहाँ का माजरा हुआ। पैसे खाता सर्वानी पैसे खायचे मजे मध्ये पत्र आमच्याकडे 60 जणांची पत्र आहेत, यांना पत्रच नाही लिहिली सगळी कामाला गेलेली माणसं सकाळपासून 10 वाजेपासून कोण इथे तुमची लोक अडवतात विनाकारण बोलले तर आणि सगळे ओरिजिनल पेपर आहेत आमच्याकडे, एकालाही पत्र आलेलं नाही। अधिकारी धक्का वगैरे देतात असं थोडी, ती लेडीज 10:30 वाजल्यापासून बाहेर उभी आहे ती। ललता प्रसाद सिंह, मीना कुमार आयला, उमेश विश्वकर्मा, प्रशांत भानुदास चंदनजी, लाल पंजाबी, एस बी सिंह, स्नेहल जयवंत राणे, अनिल वलेक्षा, चंद्रकांत आर्मिश्रा, प्रधान पाटील, अंकुश अजय, अंकुश जाधव, सचिन कदम, क्रीडा सुभाष मंत्री, नोटीस देता नोटीस एक तुम्ही टाइमिंग चेक आता ह्याच्यामध्ये अबकडचं कुठे जागा दाखवा तुम्ही आता सांगता ना गट, त्यांना जर गट आता केडीएमसी मध्ये पण जागा ना
केडीएमसी मध्ये गट बनवले होते, तुम्ही त्या गटच्या माणसांना तिथं बसवलं जात होतं आणि नंतर त्यांना आतमध्ये सोडत होते. आता इथं तुम्ही बसायची सोय केली, त्या लोकांना आतमध्ये घेऊन त्यांचे गट नंबर त्यांना सांगायला पाहिजे आणि त्या गटाप्रमाणे तुम्ही सोडायला पाहिजे. म्हणजे गट तुम्ही तुमच्या मनाने, कायदा तुमच्या मनाने तुम्ही बनवला. वाट घटना का जो प्रभात घटना कर रहे थे, इसका सजेशन ऑब्जेक्शन था और इसमें टाइमिंग 10:30 से 1:30 बजे तक है और 10:30 और 1:30 के बीच में कोई भी आ सकता है, उसमें जिनको जिनको टाइमिंग दिया हुआ सब से. और जो लोग इन लोग ने स्टार्टिंग में किसका नाम पुकारा और किसका नाम पुकार के उनको आया, बाद में को बोला सबको कि आपका अभी नाम पुकार के हुआ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते. तो इन लोग ने ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दिया था, यही टाइम पे आना चाहिए. तो 10:30 से 1:30 का टाइमिंग दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद बाकी के सब लोग भागते हैं. और प्रियंका राजपूत मैडम जो हेयरिंग लेने के लिए सामने खड़ी थी, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर गेट खो खो करके. तो एक विधायक आने के बाद भी उसने गेट खोलने को बोला नहीं, उसने मुंह घुमा के वो साइड बात करती गई और 10 मिनट में उधर खड़ा गए कि मैं जोर से चिल्लाने लगा. उसके बाद उसकी गलती उनके ध्यान में आने के बाद वो गेट खोल के बोलते हैं सब अंदर आ जाओ. लेकिन अगर मैं नहीं आता था आज इसमें तो आम जनता को इसमें हैगिंग में ये लोग उसमें आने नहीं देते थे. और ये प्रियंका राजपूत मैडम पिछले टाइम में भी ऐसे ही किसी को बोले थे कि हत्ती चले बाजार कुत्ते भोंके हजार. मतलब यहाँ की जनता और यहाँ के लोक प्रतिनिधि कुत्ते हैं क्या? ये यहाँ के जनता को और लोक प्रतिनिधि को कुत्ते समझ गई है. ऐसे अधिकारी का हम लोग निषेध करने के लिए हम यहाँ पे बैठे. सर आपको कॉल लेटर आया था कि आपको टाइमिंग पे आने का है? हमको 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग दिया था. आपको किसने दिया 10:30 का डेट का टाइम? ये उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से आया था. मेरे पास लेटर है, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है. ऐसा सब सबको दिया हुआ है, ये इनको भी दिया है, सबको एक ही टाइमिंग दिया 10:30 से 1:30 का. तो 10:30 से 1:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं. सर आपको लेटर आया है लेकिन आपके बाजू में राजकुमार टोपू बैठे, उन्होंने तो लेटर अभी पोस्ट ऑफिस अभी उन्होंने कलेक्ट किया है, उनको लेटर ही नहीं आया है. तो इन्होंने जान बुझ के ये मैडम ने सब वार्ड की सब प्रभाग की चिड़फाड़ करके रखी है, सब प्रभाग में जानबूझ के. अभी पिछले टाइम में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है लेकिन प्रेस मीडिया को उन्होंने कम ऑब्जेक्शन दिखाए. ऐसे इन लोगों ने मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है. और इस तरह से अगर करेंगे तो ये शासन के ऊपर कौन भरोसा रखेगा? आप एक विधायक हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए. जिस तरीके से पाबंदियां लाई जा रही है, आपने पहले भी कहा था कि शिवसेना कहीं ना कहीं इसमें तोड़ मोड़ करके बना रही है, तो इसको क्या देखा जाएगा? ये ऑफिसर शिवसेना के कहने पे बैठे हुए हैं और शिवसेना जिस तरह से इन ऑफिसर को बोले के वैसा काम कर रहे. लेकिन कोई भी ऑफिसर रहने दो, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए. इन लोगों ने सब कानून के दायरे तोड़ के इन लोगों ने ये चुनाव का जो आयोग प्रभाग बनाया हुआ है, ये सब इन लोगों ने एक साइड में रख के इनको ईवीएम मशीन के हिसाब से कौन से जगह पे कौन सा वोट ज़्यादा हुआ है वो वोट के हिसाब से इन लोगों ने प्रभाग की रचना की हुई है. अच्छा, आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अभी तो यहाँ पर आगे की प्रतिक्रिया हमारा रहेगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा इनके अगेंस्ट में, क्योंकि इस तरह से कानून को तोड़ना, कानून का अपमान करना, ये अधिकारी का गलत तरीका है. और ऐसा होगा तो आम जनता भी कानून हाथ में रहेगी, और ऐसा अगर आम जनता कानून हाथ में रहेगी तो फिर हमारे देश का क्या होगा? ऑब्जेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कितने नगर सेवकों ने इसका ऑब्जेक्शन लिया, इसके बारे में? बहुत सारे लोगों ने किया, मुझे निश्चित आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया हुआ है. काय सांगाल एकंदरीत या सर्व गोंधळामुळे? एकंदरीत आमच्या महानगरपालिकेच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी जी व्यूहरचना केली ती अबळ कडाप्रमाणे केलेली नाही. लोकांना गोंधळाचं वातावरण निर्माण केलं, त्यामुळे आमदार साहेबांना त्याचा परिणाम भोगावा लागला. तुम्ही बघितलं असेल आमदार साहेब खाली बसायला लागले. ही परिस्थिती आमच्या ज्या उपायुक्त आहेत प्रियंका राजपूत यांनी आणलेली आहे, त्या एकतर्फी कोणाचं ऐकत नाहीत आणि ते ऐकत नसल्यामुळे कमिशनरला ते मिसगाईड करतात. कमिशनरसारखा प्रामाणिक माणसाला पण या निवडणुकीच्या काळामध्ये त्यांच्यावर आरोप करण्यास भाग पाडतात. तर माझं वाटतं की ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्या संदर्भातली मी
निवडणूक आयोगाचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनाही माझ्या लेखी आक्षेपद्वारे मी कळवलेलं आहे आणि प्रत्यक्षही मी त्यांना सांगितलेलं आहे यांना ताबडतोब त्या पदावरून हटवा कारण त्यांच्यामुळे वाद निर्माण होते एका राजकीय पक्षाच्या बांधील आहेत आणि त्या बांधील असल्याप्रमाणे ते इतर पक्षांना तुच्छ समज याच्यामध्ये छोटे छोटे जे पक्ष आहेत ते पक्ष संपवण्याचं काम हे पद्धतशीरपणे त्या करत आहेत त्यामुळे त्यांना ताबडतोब काढलं तर हा वाद काही अंशी कमी होण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होईल. त्यांनी केलेले ज्या व्यूहरचना ती पूर्णपणे चुकीची गोंधळ ती निर्माण करण्याची प्रभाग रचनेमध्ये गोंधळ निर्माण केला आहे आणि इथेही आक्षेप वाल्यामध्ये गोंधळ निर्माण केला आहे. कित्येक लोकांना त्याच्या संदर्भामध्ये आक्षेपबद्दल कोणाला नोटीस दिली नाही तर याच्यावर ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे आणि ताबडतोब ह्या सगळ्या संदर्भामध्ये ताबडतोब निर्णय झाला पाहिजे. माझ्या आयुक्तांना विनंती आहे आणि निवडणूक आयोगाला विनंती आहे यांना ताबडतोब त्या पदावरून हटवलं पाहिजे आणि आम्ही आता येणाऱ्या महासभेमध्ये त्यांच्या विरुद्ध एक ठराव आणत आहे तर त्या अगोदरी मला आयुक्तांना विनंती करायची आहे निवडणूक आयोगाला यांना ताबडतोब राजकीय पक्षाशी हस्तक्षेप असल्यामुळे यांना ताबडतोब त्या पदावरून हटवलं पाहिजे. पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्या संगनमताने उल्हासनगर महापालिकेतील विरोधक कसे संपवायचे याचा हा प्रयत्न आहे. सकाळी 10:30 ते दुपारी 1:30 सुनावणीची वेळ दिली होती. 10 वाजेपासून लोक गेटवरती उभे होते परंतु हे प्रशासनाची माणसं कोणाला आतमध्ये घ्यायचं कोणाला नाही घ्यायचं हे षडयंत्र ठरलेलं होतं. त्याच्यानंतर आमच्या सर्व लोकांना हरकती आम्ही दिल्यानंतर आम्हाला कुठल्या प्रकारचं पत्र दिलं गेलं नाही सूचना केली नाही त्याच्यामध्ये गट पाडले गेले अ भ गड कुठले गट कुणाला माहिती नाही. जेव्हा आम्ही गेटवर आलो तर आम्हाला आतमध्ये सोडायला मना करत होते. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून विनंती करतो जर यांनी सतत अशीच दादागिरी केली तर यांना दादागिरीनेच उत्तर दिलं जाईल. आता आम्ही नियमानी आणि घटनेच्या नियमानुसार आणि तरतुदीनुसार आमची मागणी होती आम्ही हरकती दाखल केलेल्या आहेत. तसं असताना 10:30 ते 1:30 तुम्ही वेळ केलेली आहे दिलेली आहे त्या वेळेमध्ये जो कोणी असेल त्याला तुम्हाला आतमध्ये घेऊन त्याच्या शंकेचं निरसन केलं गेलं पाहिजे. तुम्ही वॉर्डची रचना केली त्याच्यामध्ये पण तू गुगलमध्ये बसून तुम्हाला जसे पाहिजे तसे वॉर्ड बनवलेत त्याच्यावर जर आमच्या काही सूचना हरकती असतील तर तुम्ही ते ऐकून घेतलं पाहिजेत आणि आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. परंतु दडपशाही करून आम्हाला गेटवरनं जर बाहेर हाकलायचा प्रयत्न केला तर हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन करणार नाही.